simultaneously. माशाल्लाह, यहाँ पे मैंने कुछ बादाम काट के रखे हुए थे, तो वो इसकी गार्निशिंग करेंगे उसकी। इधर माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपका भाई आपका मेज़बान जफर अहमद खान एक और नई वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग पहले की तरह बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं रेसिपी लेके आया हूँ वो चिकन वाइट कोरमे की है और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही कम मसालों के साथ तैयार होगी और बहुत ही जल्दी रेसिपी तैयार हो जाएगी। तो चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 किलो चिकन ले लिया है, इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, इसका पानी ड्रेन कर लिया है। और यहाँ पे मैंने 1/2 किलो प्याज ली है, उसको बारीक बारीक काट लिया है। और इसके बाद अब मैं थोड़ा आगे का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने ग्रीन चिल्लीज ले ली हैं, इसको मैं ग्राइंड करके कोरमे में डाल ली है। तो यहाँ पे 8 से 10 ग्रीन चिल्लीज को मैंने ग्राइंड करने के लिए जग में डाल दिया। गाइस, यहाँ पे हम लोगों ने अपने चिकन को मैरिनेट करने के लिए एक बड़े बाउल में निकाल लिया है। सो गाइस, यहाँ पे मैंने चिकन को मैरिनेट करने के लिए एक मसाला बना लिया है, जिसके अंदर मेरे पास लाहौरी नमक, धनिया, सुर्ख मिर्च, लहसुन, छोटी इलायची, अदरक, काली मिर्च, लौंग, सफ़ेद मिर्च और इसके अलावा दालचीनी, इसके अलावा सफ़ेद मिर्च है, मेरे पास जीरा पाउडर है इसके अंदर। तो ये सब चीज़ें इस मसाले के अंदर मैंने पीसी हैं एक साथ, और छोटे छोटे काले मिर्च के दाने मैंने इसके अंदर एक्स्ट्रा भी डाले हैं, जैसे आपको दिख रहे होंगे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें, ये है, लौंग है, तो ये एक्स्ट्रा भी डाली है मैंने इसके अंदर। और बाकी गरम मसाला तो आपको पता ही है, तो गरम मसाला भी है इसके अंदर 1/2 चम्मच। और मैं इसकी क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कितनी कितनी है, तो उस चीज़ से आप लोग बेफिक्र रहिएगा। तो गाइस, अब हम लोग इसके अंदर अदरक और लहसुन का शामिल करेंगे। अदरक 2 खाने के चम्मच और लहसुन 1 खाने का चम्मच। सो गाइस, यहाँ पे हम लोगों ने अपनी चिकन को मैरिनेट होने के लिए छोड़ दिया है 1/2 घंटे के लिए। चिकन को अच्छी तरह से मसालों में मिक्स कर लिया है। यहाँ पे हम लोगों ने एक पतीली ले ली है, इसके अंदर हम लोगों ने 2 कप ऑयल शामिल किया है, और ये जो हमारी 1/2 kg प्याज है इसको हम लोग ब्राउन करेंगे इसके अंदर। यहाँ पे मेरा तेल गर्म हो चुका है, तो अब हम लोग इसके अंदर अपनी प्याज शामिल करेंगे जो हमने काट के रखी थी, और इसको अच्छी तरह से ब्राउन करेंगे। यहाँ पे हमारी चिकन को मैरिनेट होते हुए 15 मिनट हो गए हैं, और यहाँ पे हमारी प्याज भी हम लोगों ने डाल दिया ब्राउन होने के लिए। तो अब जैसे ही हमारी ये प्याज ब्राउन हो जाएगी, तो हम इस प्याज को बाहर निकाल लेंगे और अपने इस मैरिनेट हुई हुई चिकन को इसी में शामिल कर देंगे। तो गाइस, हमारी प्याज को भी भुनते हुए 10 मिनट हो गए हैं, अब ये आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन होना शुरू हो रही है। तो अभी जैसे ही ब्राउन हो जाएगी मुकम्मल, तो उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे इसमें से, और फिर अपने मसाले लगा हुआ चिकन को शामिल करेंगे, और फिर उसके बाद का प्रोसेस भी आपके साथ शेयर करता हूँ मैं। तो बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। ये जैसे जैसे हमारी प्याज ब्राउन होती जा रही है, हम प्याज को चलाते रहेंगे ताकि प्याज हमारी जले नहीं और प्याज हमारी अच्छे से ब्राउन हो। और माशाल्लाह से हमारी प्याज ब्राउन हो चुके हैं, और आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी अच्छी ब्राउन, कितना अच्छा कलर आया इसका। तो अब हम लोग इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमने अपनी प्याज निकाल ली है, तो अब हम लोग अपनी ये मैरिनेट हुई हुई चिकन इस तेल में शामिल करेंगे। इसको भूनेंगे, ऐसे एक हाथ से काम करने में बड़ी मुश्किल होती है, इसीलिए मैं कभी कभी अपनी बहन को भी मैं बुला लेता हूँ कि आ जाओ यार मेरी हेल्प कर दो थोड़ी सी। तो चलिए, मैं थोड़ी मैं अपनी पूरी चिकन शामिल करके फिर आपसे मिलता हूँ। हो गई है पूरी चिकन शामिल,
और अब उसको अच्छी तरह से चलाएंगे। और एक बात का ख्याल रखिएगा कि चिकन और मसाला आपका जले नहीं। और ये जो हमने यहाँ प्याज निकाली है, इसका भी मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा इसको क्या करना है। माशाल्लाह से अभी से खुशबू बहुत बेहतरीन आ रही है। सो यहाँ पे मैंने ये आधा किलो दही ले ली है, इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है, विस्प कर लिया है। और अब मैं जो हूँ अपनी इस प्याज को इसके अंदर शामिल करके इसको मैं ग्राइंड करना है। सो ये हमने अपनी प्याज सारी ग्राइंडर के अंदर शामिल कर दी है और मेरी हेल्प के लिए मेरी बहन आ चुकी है, तो अब मसला नहीं होगा। माशाल्लाह से खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। हम अपनी चिकन को यहाँ पे 5 मिनट हम लोग भूनेंगे, फिर जो हमने ये अपना प्याज और दही का जो मिक्सचर हम लोगों ने बनाया है, फिर इसको शामिल करेंगे अपनी चिकन के अंदर। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आज की रेसिपी बहुत मज़े की बनने वाली है और खुशबू अभी से बहुत तेज़ बहुत तबाही वाली आ रही है। सो यहाँ पे इसको 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम लोग इसके अंदर अपना मिक्सचर शामिल करेंगे प्याज और दही वाला। माशाल्लाह माशाल्लाह। और अब इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और इसको आधे घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। माशाल्लाह से मिक्स हो चुका है और लुक आप लोग देख सकते हैं, अभी पूरा डन नहीं हुआ है लेकिन आप इसका लुक चेक कर सकते हैं कितना प्यारा आया हुआ है। सो ये आ गए देसी जुगाड़, जो जग के अंदर मसाला लगा था वो भी डाल दिया इसके अंदर। सो गाइस अब हमने इसको ये तेज आंच से उतार के हल्की आंच पे चढ़ा दिया है। इसका चूल्हा आप लोग देख सकते हैं कितना हल्का है, तो अब ये इस पे ही पकेगा 10 मिनट। सो गाइस माशाल्लाह से हमारे कोरमे को पकते हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और बहुत अच्छी तरह से ये पक चुका है। तो अब हम लोग इसको इसका चूल्हा बंद करेंगे, इसको डिश आउट करेंगे और इसकी गार्निशिंग करेंगे थोड़ी सी। और गार्निशिंग जो है वो मैं बादाम के साथ करूँगा। तो बेसिकली बादामी कोरमा है नहीं है लेकिन बस थोड़ा सा टच देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। तो इसका चूल्हा बंद करते हैं और इसको डिश आउट करते हैं। तो अब हम लोग इसको डिश आउट करते हैं और आप देख सकते हैं कैसा दानेदार कोरमा बना है। बिस्मिल्लाह। और कोरमे को हम लोगों ने थोड़ा सा पतला रखा है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर करें। अब बारी है इसकी गार्निशिंग की। सो यहाँ पे मैंने कुछ बादाम काट के रखे हुए थे, तो वो इसकी गार्निशिंग करेंगे उसकी, और थोड़े से ये साबित बादाम इधर।
माशाल्लाह। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर करें। अपने भाई ज़फ़र अहमद ख़ान को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।